देखिए शारदीय नवरात्र चल रहा है। शारदीय नवरात्र में आदिशक्ति माँ भगवती से जुड़े हुए सभी पवित्र स्थलों पर भारी संख्या में सनातन हिंदू धर्मावलंबी श्रद्धालुजन जाकर के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और उसके बाद उससे पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। यह पवित्र बुढ़िया माई का स्थान है, एक पौराणिक शक्तिपीठ है। गोरखपुर और आसपास के जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था क्योंकि वन विभाग के बीच में यह पड़ता था। बनटांगिया गांव से जुड़े हुए मजदूरों ने आज से 100 वर्ष पहले यहां पर देवी की स्थापना की थी। उससे पहले से चल रही थी लेकिन उनकी परंपरागत रूप से उन्होंने इस पूजा और इस विग्रह को यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारी सरकार ने यह क्षेत्र बुढ़िया माई के नाम पर आरक्षित किया है। यहाँ पर आने के लिए अभी मैंने जिलाधिकारी से भी, प्रशासन से भी इस बारे में कहा है कि मुख्य सड़क से यहाँ पर आने के लिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, बुढ़िया माई के स्थान के चारों तरफ विकास और जो सरोवर है इसके भी विकास की एक कार्य योजना बन जाए। दूसरा, जो श्रद्धालुजन यहाँ पर आते हैं उनके लिए सामान्य प्रसाधन की व्यवस्था, उसके लिए यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। यहाँ से हट से थोड़ी दूर पर जो इस मंदिर के नाम पर आरक्षित जगह है वहाँ पर, जिससे वन संरक्षण का भी काम हो सके, सफाई की व्यवस्था भी हो सके, जितना कूड़ा कचड़ा यहाँ पर जगह जगह गिरा हुआ है सब सफाई हो, इसकी एक ठोस कार्य योजना बने और यहाँ पर हर समय श्रद्धालुजन आकर के आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के ही विग्रह माँ बुढ़िया माई की है। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश के 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी का संगम होने के नाते पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती।